गाइस अभी तक अपने दो लॉस पढ़ चुके हैं, वैसे क्या क्या देखे थे, एक ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन वाला, इसमें और ज़्यादा भी रहे तो चल जाता था हमें, और एक और क्या देखा था बच्चा लोग हम लोगों ने, ए रेस टू एम डिवाइड बाई ए रेस टू एन, जिसे मैं ए रेस टू एम डिवाइड बाई ए रेस टू एन जैसा भी कई बार देखने वाला हूँ, वो सब कुछ होगा ए रेस टू एम माइनस एन वाला, ठीक है। और उसके पहले एक प्रॉपर्टी देखी थी हमने, ए रेस टू माइनस एम इज इक्वल टू वन बाय ए रेस टू एम होती थी, फाइन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते अपन, ठीक है। न्यू प्रॉपर्टी, वैसे आपको ये पता है पहले से, बेटा ए रेस टू एम की पावर एन मेरी कितनी हो जाएगी, ए रेस टू एम इंटू एन ये होने वाली है। एग्जाम्पल देख लो, एक क्योंकि टू रेस टू थ्री की पावर टू अगर है तो बेसिकली हो जाएगा टू रेस टू थ्री इंटू टू, मतलब टू रेस टू सिक्स हो जाएगा। और बेटा यही अगर मल्टीपल टाइम्स रहे ना, क्या सर, ए रेस टू एम की पावर एन की पावर पी की पावर क्यू, तो बेटा हो जाएगा ए रेस टू एम एन पी क्यू, समझाइए जी आपको। पहले इतना सा आप लोग पॉज करके एक बार लिख लीजिए, फिर अपन लोग इसे थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं आपको, वही सिंप्लीफाई करना है। क्या है बेटा, टू रेस टू फोर रेस टू माइनस थ्री, ये ए हो गया मेरा और बी हो गया माइनस थ्री की पावर फाइव रेस टू फोर रेस टू माइनस वन बाई टू की पावर सिक्स, कुछ रैंडम सा है बेटा, ठीक है ना। चलिए पॉज कीजिए इसको और सॉल्व कीजिए। देखो बच्चा, पहला वाला तो इजी है, टू रेस टू फोर इंटू माइनस थ्री, मतलब टू रेस टू माइनस ट्वेल्व हो जाएगा ये। तुमको चाहिए तो आप टू रेस टू वन बाई टू रेस टू ट्वेल्व लिख सकते हो, ठीक है। नीचे वाला देखिए बच्चा लोग, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस थ्री रेस टू फाइव इंटू फोर इंटू माइनस वन बाई टू इंटू सिक्स, देखो ये वन था ये टू था कट गया मेरा, तो माइनस थ्री रेस टू फाइव टू था टेन इंटू माइनस सिक्स, यानी माइनस सिक्सटी हो जाएगा। देखो अब ये क्या हो जाएगा, वन बाय माइनस थ्री रेस टू सिक्सटी। अब देखो मेरा जो बेस है वो क्या है, नेगेटिव है, पावर क्या है, इवन है, तो मेरा नेगेटिव साइन भी हट जाएगा, तो वन बाय थ्री रेस टू सिक्सटी मेरा आंसर बन जाएगा, सिंपल। चलो ये वाले क्वेश्चन को भी अगर आप लोगों का आंसर कोई भी, चलो दोनों ही देख लो, कोई भी इन दोनों में से आंसर मैच नहीं हुआ था अगर, तो प्लीज़ पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट लॉ ये देखिए, वो क्या है, ए इंटू बी की पावर अगर एम है तो ये हो जाता है ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम। बेटा यही ऐसे ही इसमें ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी भी होगा, ऐसा खूब सारे भी होंगे, की पावर एम हुआ तो भी अपना अपना अपने अपने को मिल जाता है, तो ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम इंटू सी की पावर एम इंटू डी की पावर एम, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा, ये कैसे इस्तेमाल में आता है आपको पहले समझाता हूँ मैं। देखिए अगर मेरे पास है टेन की पावर फाइव, अब देखो मैं टेन को अगर चाहूँ, वैसे मुझे वैल्यू इसकी बहुत ईजिली मिल रही है, टेन इंटू टेन इंटू टेन इंटू टेन इंटू टेन एन एट वन, फिर पाँच बार जीरो, पर अगर मुझे टू और फाइव के टर्म्स में इसको लिखना पड़ रहा है कोई कारण से, दिखाऊंगा क्वेश्चन में आपको। देखिए तो मैं टेन को लिख सकता हूँ टू इंटू फाइव की पावर फाइव, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, टू की पावर फाइव इंटू फाइव की पावर फाइव। वैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है सिक्स की पावर फाइव अपॉन टू की पावर थ्री, इसको सिंप्लीफाई करना है, तब देखो बेटा अपने पास ये जो है प्रॉपर्टी वो कितना काम में आ रही है, सिक्स मेरा प्राइम नंबर नहीं है, मतलब उसको कोई नंबर्स के प्रोडक्ट जैसा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो मैंने पहले कर लिया टू इंटू थ्री की पावर फाइव द होल अपॉन टू की पावर थ्री, मतलब सर देखो टू की पावर फाइव इंटू थ्री की पावर फाइव अपॉन टू की पावर थ्री, अब मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा लिया तो बन गया कहते टू की पावर फाइव माइनस थ्री इंटू थ्री की पावर फाइव, देखो ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन लगाई बेटा मैंने, बन गया टू का स्क्वायर इंटू थ्री की पावर फाइव, समझाए क्या हुआ है। तो देखो ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये कब यूज़ होगी बेटा अपनी मेजरली, बेटा जब भी मेरा प्राइम नंबर नहीं रहेगा बेस, तो मेरे को उसे ओपन करके प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। चलिए इसको कर लीजिए। अब देखो जैसे अपने नंबर्स प्रोडक्ट में थे, यानी ये ए इंटू बी की पावर एम जो था उसको मैंने अपना अपना देखे ये ऐसा किया था, अब यही अगर डिवाइड वाले फॉर्मेट में, मतलब क्या सर, ए बाय बी की पावर एम में अगर है, देखो ये कितना हो जाएगा ए की पावर एम डिवाइड बाय बी की पावर एम,
मतलब क्या, अपना अपना अपने अपने को मिल जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल इसका देख लो बेटा, कुछ क्वेश्चन ऐसा आ गया कि सर 2/5 की पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये सिंप्लीफाई करना है मुझे। तो देखो कुछ भी नहीं, अपने अपना दिया 2 की पावर 3 / 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, तो भाई 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 - 3 हो जाएगा बेटा। कैसे सर, ये देखो ये a की पावर m / a की पावर n यहाँ लगा दिया, 2 की पावर 3 × 5 की पावर -1, जो कि क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 × 1/5 की पावर 1, यानी ये हो जाएगा, समझा। चलो चलिए, प्रॉपर्टी सिंपल सी है आप लोगों के लिए, पॉज करो इसको भी और सॉल्व कर लो। अब बेटा देखो, आप लोगों को ना मैंने एक ये प्रॉपर्टी बताई स्टार्टिंग में, a की पावर -m = 1/a की पावर m होती थी। अब इसी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करके बता रहा हूँ मैं, ये a/b की पावर अगर माइनस एम रहेगा ना बेटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरा का पूरा रेसिप्रोकेट हो जाएगा, मतलब बन जाएगा b/a की पावर m। अब अगर आपको अपना अपना अपने अपने को देना है तो आप देखिए b/m / a/m इसे ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो, ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं कि सर ये तो करना ही पड़ेगा, सिर्फ बता रहा था आपको, ठीक है। तो देखिए एक काम करो, पहले आप लोग ये पॉज करके ये प्रॉपर्टी लिखो, फिर अपन खूब सारे क्वेश्चन करने वाले। चलिए अब बेटा प्लीज़, मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दूंगा, पहले मैं आपको हिंट दे दूंगा कुछ क्वेश्चन में ऐसा ऐसा करना है, आप ट्राई कीजिएगा, फिर अपन लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए पहला वाला है 8 की पावर -1 × 5 की पावर 3 / 2 की पावर -4। बेटा देखो, सबसे पहले कोई भी नंबर अगर प्राइम फैक्टर में नहीं है, जैसे 8 नहीं है, तो उसको प्राइम फैक्टराइज कर लो, उसके बाद में कोई प्रॉपर्टी वगैरह लग रही होगी तो वो लगाना, ठीक है, एक बार ट्राई करो बच्चा लोग पॉज करके इसको। देखिए 8 × 2 × 2 × 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, अब उसकी पावर है -1 × 5 की पावर 3 / 2 की पावर -4, ठीक है। अगर ये a की पावर m की पावर n हो गया ये, तो बच्चा लोग ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर -3 × 5 की पावर 3 / 2 की पावर -4। देखो ये a की पावर m / a की पावर n हो गया, मतलब a की पावर m - n × 5 की पावर 3। देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर -3 + 4 × 5 की पावर 3, मतलब होगा 2 की पावर 1 × 5 की पावर 3। अब देखो इसी वैल्यू निकालनी होती तो ये तो 2 ही है, 5 की पावर 3 5 × 5 × 5 यानी 125, तो मेरा आंसर कितना हो गया 250, समझा। चलो ये क्वेश्चन को पॉज करो और फटाक से आप लोग सॉल्व कर लो। अब चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, -2/3 की पावर -2 × 4/5 की पावर -3। अब देखो ये ऐसा है ना, जब भी फ्रैक्शन फ्रैक्शन में आता है तो पहले अपना अपना अपने अपने को दे देना, बट तो सर नेगेटिव है तो पहले पलटा लो। ये अभी जो अपन देखें a/b की पावर -m = b/a की पावर m, जो कि जगह b/m / a/m, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी आप लोग लगा लो एक बार, दोनों में लगा लो, फिर उसके बाद में प्राइम फैक्टर नहीं होगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके कर लेना, जो भी प्राइम नंबर किसमें नहीं होगा, ट्राई करो कितना होता है आप लोगों से। अब देखो सर ये तो पहले पलटेगा, जगह 3/-2 का होल स्क्वायर × 5/4 की पावर 3, तो देखिए ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर / -2 का स्क्वायर × 5 की पावर 3/4 की पावर 3, सर ये तो 3 का स्क्वायर रहेगा। अब बेटा -2 का स्क्वायर है, अब माइनस है बट पावर में तो इवन है मेरा, तो ये बस सिंपल सा 2 का स्क्वायर बच जाएगा, ये 5 की पावर 3 / बेटा देखिए 4 की पावर 3 है ना, 2 स्क्वायर की पावर 3 है, तो बेसिकली 3 स्क्वायर / 2 की पावर 2 × 5 क्यूब / 2 की पावर 6 हो जाएगा, जो कि क्या हो रहा है बेटा, ये देखिए 3 स्क्वायर × 5 की पावर 3 और ये जाएगा 2 की पावर 8, 3 स्क्वायर हो गया 9, ये हो गया 125 और ये होता है 256, ठीक है। अब देखिए 125 9 9 45 4 18 22 2 1125 1125 / 2 56, ये मेरा आंसर आ गया इसका, समझा। कुछ अगर आंसर अलग है तो पॉज करो बच्चा लोग और सॉल्व कर लो उसको एक बार खुद से। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।
बेटा देखो आज के जो सेशन में जो क्वेश्चंस करे बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से करते रहना इस चीज़ को। 2/3 का क्यूब का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय -1/3 की पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर -1। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, पहले ए की पावर एम की पावर एन है तो मल्टीप्लाई कर लेना, फिर अपना अपना दे देना, यहाँ पे -4 है रेसिप्रोकेट कर लेना, फिर अपना अपना दे देना उस चीज़ को, फिर ये देखो ये 3 की पावर -1 है, 6 की पावर -1 है, उधर रेसिप्रोकेट हो जाएंगे। ठीक है चलो फट से इतना आप लोग मेरे लिए पॉज करके सॉल्व कर लो। चलिए देखते हैं, ये जाएगा 2/3 की पावर 3 × 2 = 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3/-1 यानी -3 बेसिकली की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 हो गया। चलो ठीक है, अपना अपना दिया तो 2 की पावर 6 3 की पावर 6 × माइनस की पावर इवन है तो माइनस तो उड़ा ही सकता हूँ मैं डायरेक्टली, तो 3 की पावर 4 × 1/3 × बेटा ये 6 है ना नीचे वाला, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 2। ठीक है, अब कोई 3 × 3 मेरा 3 स्क्वायर बनने वाला है वैसे तो बेसिकली। देखो अब मैं कहाँ तक पहुँच जाऊँ, 2 की पावर 6 × 3 की पावर 4 द होल अपॉन 3 की पावर 6 × 3 स्क्वायर × 2 की पावर 1। ठीक है फाइन, अब देखो ये 2 की पावर 1 था, ये तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 6 में मैंने प्रॉपर्टी लगा दिया, तो 2 की पावर 6 - 1 × 3 की पावर 4 यहाँ पे इन दोनों में प्रॉपर्टी लगा दिया मैंने, तो 3 की पावर 6 + 2 मतलब 2 की पावर 5 × 3 की पावर 4 / 3 की पावर 8 जो कि क्या जाएगा 2 की पावर 5 × 3 की पावर 4 - 8 यानी -4 जो कि हो जाएगा 2 की पावर 5 / 3 की पावर 4। 2 की पावर 5 होता है 32 आई थिंक, 2 4 8 16 32, यस 32, और ये होता है / 81। आ गया मेरा आंसर, देखो सिर्फ भरोसा रखना है खुद पे और सॉल्व करना है, और बेटा एक ही तरीका नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मल्टीपल तरीके होते हैं, तब टेंशन मत लेना, आपके तरीके से भी आंसर आ सकता है। ठीक है चलो पॉज करो और सॉल्व करो। नाउ गाइस माय फेवरेट वन, ठीक है देखिए क्या है, 1/3 की पावर -1 -1/4 की पावर -1 द होल पावर -1। बेटा पहली बात तो क्या है, ये मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, 1/3 की पावर -1 है। ठीक है तो ये 3 बन जाएगा, ये माइनस जो था वो माइनस, ये बन जाएगा मेरा 4 ठीक है की पावर -1 मतलब -1 की पावर -1। पहले मैं ये वाले माइनस को करने के लिए रेसिप्रोकेट कर रहा हूँ, तो 1/-1 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है ये -1 बन जाएगा, बेटा देखो ये माइनस माइनस कोई प्रॉपर्टी में नहीं है, आपको ए की पावर एम माइनस ए की पावर एन ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो माइनस जब भी आपको इंडिविजुअल टर्म्स को सॉल्व करना पड़ेगा, और पहले कभी ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व किया करो, पूरा सॉल्व उनके बाद में ब्रैकेट के बाहर वाले को सॉल्व किया करो। ठीक है चलो पॉज करो इसको और सॉल्व करो। अब बेटा जैसा आपने ये अलग किया ना उसी पैटर्न में आपको एक और दे रहा हूँ जो आप पहले खुद से ट्राई करोगे, सर क्या है 6 की पावर -1 -8 की पावर -1 द होल की पावर -1 प्लस 2 की पावर -1 -3 की पावर -1 द होल की पावर -1। इसको अलग से पूरा सॉल्व करो, इसको अलग से पूरा सॉल्व करो और दोनों को सिंपली ऐड कर दो। ठीक है चलो करो इतना, देखते हैं 1/6 - 1/8 द होल की पावर -1 प्लस 1/2 - 1/3 द होल की पावर -1। अब देखो बेटा वो पागल पाना नहीं कहा सर ये -1 है सब पलटा देते, बेटा नहीं बेटा पहले आपको ये ब्रैकेट्स को सॉल्व करना पड़ेगा अंदर से। तो देखिए इसका एलसीएम लूँगा, एलसीएम 24 आ रहा है, तो 4 - 3/24 की पावर -1 प्लस यहाँ पे एलसीएम 6 है तो 3 - 2/6 की पावर -1 मतलब 1/24 प्लस या सॉरी की पावर -1 प्लस 1/6 की पावर -1। अब बेटा मैंने ओपन किया तो 24 + 6 मतलब कितना हो गया 30 हो गया, समझे क्या हुआ है श्योर। चलो पॉज करो इसको और सॉल्व कर लो। नाउ गाइस अनदर गुड क्वेश्चन, देखिए 30 था सॉरी, -1/3 की पावर -2 - 1/3 की पावर -3 ठीक है डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर -2। देखो
ये क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ब्रैकेट तो अभी सॉल्व कर लोगे, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2 - 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 4 की पावर 2। ठीक है, देखो पहले मैंने माइनस केस को चेंज किया, तो देखो कितना आ गया 9 - 27 डिवाइड बाय 16, तो ये कितना हो जाएगा -18 डिवाइड बाय 16, तो -18 बाई 16 जगह -9 बाई 8 खत्म। देखो आप डिविजन विविजन साइन कभी भी रहा ना, उसको वैसे ही रहने देना अगर प्रॉपर्टी नहीं लगे तो, और आपको बाद में डिवाइड करना डिवाइड कर लेना, या फिर डिवाइड नहीं करना है उसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज करके नेक्स्ट वाले को रेसिप्रोकेट कर देना, खत्म। समझा? चलो ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लो। नाउ गाइस, एनसीईआरटी के दो बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लीजिएगा इन दोनों क्वेश्चन को करा रहा हूँ मैं। पहला देखिए, 25 × t की पावर -4, तो टी क्या है बेटा, कोई भी वेरिएबल है टी मेरा, ठीक है, अपॉन 5 की पावर -3 × 10 × t की पावर -8। आपको आगे ये लिखा हुआ आएगा कि टी की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, ये क्यों, अगर टी की वैल्यू जीरो हो गई तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा मेरा, डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये बस उसी चीज़ ले बचा, आपको कुछ करना नहीं है। सर अब क्या करूँ बेटा, देखो सबसे पहले जो भी प्राइम फैक्टर्स नहीं है उसको प्राइम फैक्टराइज कर लो, ठीक है सर, देखिए 25 था तो उसको मैंने क्या लिखा है, 5² × ये तो बेटा मेरा टी की पावर माइनस फोर है ही, हो जाएगा 5 की पावर -3 × ये 10 को 5 × 2 लिख सकता हूँ, हाँ, × t की पावर -8। ठीक है, अब देखो मेरा इन दो में एक तो लगा रहा हूँ पहले, और ये इन दो में लगा रहा हूँ मैं प्रॉपर्टी, देखो 5² × t की पावर -4 - −8, ठीक है, और इन दोनों में लगाया मैंने, ये तो 5 की पावर 1 है, टी की पावर 5 की पावर -3 + 1 × 2, ठीक है, देखिए 5 की पावर 2 × t की पावर -4 + 8 यानी कि +4 हो जाएगा, द होल अपॉन 5 की पावर -2 × 2। अब देखो अब इन दोनों में मैंने लगाया तो देखा 5 की पावर 2 + 2 - −2 + 2 यानी 4 डायरेक्ट लिखता हूँ, इंटू टी की पावर 4 अपॉन 2 सॉरी, ठीक है। अब अगर आप लोगों को इसको ऐसे लिखना है 5t की होल पावर 4 तो आप लिख सकते हो, बट क्यों क्यों करना था छोड़ो ना, 5 की पावर 4 आप कैलकुलेटर में बताया 625 t की पावर 4 होल अपॉन 2, खत्म। बट 3 मार्क का क्वेश्चन आता है ये, देखो इतना फुद्दू सा क्वेश्चन 3 मार्क का आ जाता है कई बार, देखो चलो पॉज करो इसको सॉल्व करो, इसका लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे वो भी सिंपल ही है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना, ये एनसीईआरटी का ही है, क्या है, 3 की पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 125 द होल अपॉन 5 की पावर -7 × 6 की पावर -5। क्या कर रहा हूँ मैं, देखो ये प्राइम फैक्टराइज कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ, इसको प्राइम फैक्टराइज कर रहा हूँ, तो बेसिकली देखो अगर 3 की पावर -5 × 2 × 5 की पावर -5 × 5 का क्यूब द होल अपॉन 5 की पावर -7 × 2 × 3 पावर -5, ठीक है। अब अपना अपना अपने अपने को दिया तो 3 की पावर -5 × 2 की पावर -5 × 5 की पावर -5 × 5 की पावर 3 द होल अपॉन 5 की पावर -7 × 2 की पावर -5 × 3 की पावर -5। अब अगर आप देखोगे ना, ये 3 की पावर -5 भी कट गया मेरा, 2 की पावर -5 2 की पावर -5 भी मेरा कट गया, चलो ठीक है। अब बेटा मैंने इन दोनों में पहले प्रॉपर्टी लगा लिया तो वो क्या बन गया था, 5 की पावर -5 + 3 / 5 की पावर -7 मतलब हो गया 5 की पावर -2 / 5 की पावर -7 जो कि हो गया 5 की पावर -2 - −7 यानी +7 जो गया 5 की पावर 5, खत्म। देखा सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज आपको क्लियरली पता हो तो कितना ईजी हो जाता है। चलिए पॉज कीजिए इसको भी और सॉल्व कर लीजिए। चलिए गाइस अब आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं बेटा, प्लीज़ इसके क्वेश्चंस वगैरह जो है पूरे प्रैक्टिस करते रहिएगा, ओके, चलिए बाय गाइस।